कहोगे आकाश में तो क्या पक्षियों की तरह, नहीं बनता नहीं है। अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं रखो, बनता नहीं। एक बार एक राजा के दरबार में एक कोई फकीर आया, राजा का मित्र भी था। राजा उससे मिलने गया और राजा के मन में एक उत्सुकता हुई, या कहना चाहिए हर कोई के मन में होती कि मेरी संपत्ति कोई देख ले। राजा ने सोचा ये बचपन में इसने मेरे पिताजी का राज्य देखा, अब तो मैंने बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया, बहुत विकास कर लिया, कम से कम इस फकीर को कहूँ दिखाऊँ तो कि तूने क्या किया है, तू तो अकेले फकीर बनकर भीख का कटोरा लेकर भीख मांगता है, कुछ नहीं किया तूने, हम दोनों साथ पढ़ते थे, लेकिन देख मैंने राज्य का कितना विस्तार किया। और उसने फकीर से निवेदन किया कि आप महल में चलें। फकीर ने कहा जैसी तुम कहोगे वैसे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। अब राजा के साथ फकीर हो लिया। अब राजा ने सोचा मैं दिखाऊं इसको सब कुछ, तो उसने अपने कालीन पर कहा कि आप यहाँ सो जाएंगे। उसने कहा जैसी इच्छा। उसने कहा आप हमारा भोजन कर लेंगे। उसने कहा जैसी इच्छा। तो राजा को अंदर तो लगा कि कैसा फकीर, इसे कहना चाहिए हम तो रूखा भोजन करते हैं, इसे कहना चाहिए हम कालीनों पर पैर नहीं देते हैं, और ये तो कह रहा है कि जैसी इच्छा। उसने कहा हमारे सेवक आपके पैर दबा सकते। उसने कहा जैसी इच्छा। तो अब तो वो आया और रुक गया। जितने दिन महीना हो गए, डेढ़ महीना हो गया, एक दिन राजा ने कहा, अब राजा को अंदर से बहुत आकुलता हो रही थी कि कैसा फकीर, मैं तो इसे फकीर समझ कर ले आया, ये तो मेरे जैसा खाना खाता है, मेरे जैसा रहता है, मेरी सारी सुविधाओं का उपयोग कर रहा है, एक आए का फकीर मैं तो गलत चुनाव कर लाया, अरे दिखाना तो देख के चला जाता, दिखाना ही तो मेरा उद्देश्य था, ये देख के चला जाना चाहिए, रुका रहा। और राजा की सब्र का बांध टूट गया और राजा ने कहा कि एक प्रश्न उठता है, एक पूछूं एक बात क्या आपसे। तो फकीर समझ गया। फकीर ने कहा कि ये डेढ़ महीना दबा कर क्यों रखा, तुम्हें उसी दिन पूछ लेना चाहिए था। कहने लगा नहीं आप नहीं समझे। बोले जो तुम बोलना चाहते हो मैं समझ गया। तो कहने लगे क्या समझ गया। कहने लगे कल सुबह बता दूंगा। और कहते हैं वो सुबह गया, कहने लगे अपन घूमने चलेंगे फिर बता देंगे वहीं पर। अब राजा को तो बड़ी उत्सुकता थी, रात भर नींद नहीं आई थी। और सुबह गया और राजा और फकीर दोनों थे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो गए। राजा बार बार लौटने की सोचता और राजा बार बार कहता ये वही जगह है जहां हम खेलने आते थे, ये वही जगह है जहां के आगे हम कभी नहीं जाते थे, ये वो जगह आ गई, यहां के आगे तो शेर चीते मिलते हैं, ये हमारी सीमा है, इसके आगे हम कभी नहीं गए। और उसने फिर राजा ने कहा कि आपसे कहा था कुछ बताने के लिए, आपने कहा समझ गए, आपने बताया नहीं। वो कहने लगा थोड़े और आगे चलो। राजा कहने लगा हमारी सीमा है, इसके आगे हम नहीं जाते हैं। तो वो कहने लगा बस यही मेरा उत्तर है, तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम नहीं जा सकते हो, हमारी कोई सीमाएं नहीं, हम जाते हैं। और रही बात तुम्हारी जो शंका हो गई थी कि हम तुम जैसे रहते तो ना हमें राग है ना द्वेष है, तुमने जो दिया, यदि तुम मुझे जंगल में ठहरा देते तो मैं कहते जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमने भवन में ठहराया मैं ठहर गया, क्योंकि मैं सबके बीच भी अपने अंदर रहता हूँ, दुनिया में रहते हुए भी अपने आप में रहता हूँ, तुमने खाना दिया मैंने खाना खा लिया, तुम्हारे सेवक पैर दबाते थे मैंने पैर दबा लिए, तुम्हारे कालीनों पर चलना पड़ा मैंने चल लिया, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि इस स्टोव देश में भी पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि संत बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, संत चलता हुआ भी नहीं चलता है, क्योंकि संत के पैर चलते हैं, मन स्थिर रहता है, और संत की सारी क्रियाएं तुम्हारी तरह होती हैं लेकिन मन में बहुत अंतर होता है। तो ध्यान रखना आप भी गृहस्थी से बंधे नहीं रहे, आप सब काम करें लेकिन अभी आपके कर्म में कर्ता बुद्धि है, अभी आप जो करते हैं उसके पीछे कुछ चाहिए, जिस दिन अपेक्षाएं हट जाएंगी
उस दिन तुम घर में रहते हुए भी संत हो जाओगे। आज दुख किस बात का है? दुख मरने का नहीं, दुख बीमारी का नहीं, दुख घाटे का नहीं, कोई दुख नहीं। सिर्फ दुख है तो अपने का है। ध्यान रखना, अपना बीमार पड़ जाए तो रात भर सो नहीं सकते हैं। कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो और अपना बेटा हो तो रात भर नींद नहीं आती जब तक उससे बात नहीं हो जाए। और भले उसमें 1000 लोग मर गए हों, लेकिन जैसे ही अपने बेटे से बात होती है बोले अब सो जाओ सब ठीक है। वो मर गए उसका दुख नहीं है तुम्हें, वो भी किसी के बेटे थे, लेकिन अपनों का बहुत दुख है। सम्राट अशोक विजय प्राप्त करके लौटा, बहुत ज़्यादा उत्साह था गांव, मैंने राज्य में बहुत दीप मालाएं की गई, पुष्प वृष्टि की गई, बड़े बड़े वादक बुलाए गए, सब लोग आरती करने पूरे कहना चाहिए देश उमड़ आया। लेकिन उसकी माँ नहीं आई। उसकी माँ को उसने कहला भेजा कि माँ को कहो कि मैं इतनी कलिंग विजय की यात्रा के बाद लौटा हूँ, माँ को खुशी नहीं है क्या? उसकी माँ को जबरन बार बार बुलाया तो उसकी माँ को आना पड़ा। लेकिन जैसे उसने कहा माँ मैं इतनी बड़ी विजय यात्रा लेकर लौटा हूँ, तुम क्यों नहीं आई थी? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? और कहते हैं उसकी माँ के हाथों में लोगों ने आरती का थाल दिया कि धन्य हो तुम्हारा बेटा, 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार कर इतनी बड़ी विजय लेकर लौटा गए। उसके हाथों से थाली कांप कर छूट गई और दीप बुझ गए। और कहते हैं थाली का सब सामान अक्षत पुष्प बिखर गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली उनके मातम पर आंसू बहाओ या तेरी विजय पर उल्लास मनाओ। आज तू 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है, 2.5 लाख माताओं की कोख सुनी करके आया है, कम से कम 5 लाख बच्चों के सिर से बाप का साया उठा कर आया है, 4 लाख बहनों की राखी सुनी करके आया है, ना जाने कितनों को अनाथ बना कर आया है। अब तुझे बद्दुआ दूं या तुझे आशीर्वाद दूं? क्योंकि एक माँ हूं, कल्पना से रूह कांप जाती है कि काश तू उनमें होता तो मेरी क्या हालत होती। आपके अंदर कभी ऐसी संवेदनाएं आती हैं क्या कि आपके बच्चों के जन्मदिन पर कितने जीवों का घात हो जाता है, आपकी शादी की सालगिरह पर जो भी आयोजन होते हैं कितने लोगों का परिवार उजड़ जाता। आप कहेंगे परिवार, हमारे परिवार से ज़्यादा उन्हें प्यार है। आप बच्चों को नौकरों पे पलवा देते हो, नौकरों पर मत पलवाना वरना बुढ़ापे में वो भी तुम्हें नौकरों पर छोड़ेंगे। तुमने दिल दिया होगा तो वो दिल देंगे, तुमने दौलत के भरोसे बच्चे पलवाए होंगे तो वो भी दौलत वालों पर छोड़ देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि भगवान निज गे तुम्हें अपने हित के लिए आपके पूजन कर रहा और जन्म जरा मृत्यु को नाश करने के लिए मैं अब और जन्म नहीं चाहता हूँ। ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ, कभी काम नहीं करूँगा। 7 राजू तक हम चढ़कर आए हैं, हमारी और आपकी यात्रा निगोद से हुई थी, जहाँ एक सांस में 18 बार जन्म और मरण होता था। अब और जन्म मरण नहीं करना, हमने बहुत पुरुषार्थ किया है कि आपको पता है दुर्लभ है निगोद से थावर और उत्तरस गति पानी। कितना पुरुषार्थ किया है, निगोद से एक इंद्री में आए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पतियों में पैदा हुए, और उसके बाद कफन वीगर मिल सकेगा, धन्य होगा तू। कफन हर लोगों को नहीं मिलता है, आपने देखा कितने लोग मर जाते हैं, उनकी लाशें भी समझ में नहीं आती हैं, उनकी बॉडी के भी चिथड़े उड़ जाते हैं, पता नहीं 1 अंग मिला 2 अंग मिले और
ऐसे हमने, ये तो मनुष्य गति की बात है, लेकिन तिरियंचों में हमने कैसी कैसी हालतें भोगी हैं। चींटी की गिलास को कोई कफन देने आता है, मच्छर पर कोई आंसू बहाने आता है, आप तो कहते तो जलने दो एक दो लाइटें बाहर की। आपकी एक दो लाइटें जलती हैं और जीवों का कितना घात होता है, कम से कम कुछ तो प्रायश्चित किया करो। आवश्यकताएं की कोई मनाही नहीं है, आवश्यकताएं तो गरीबों की पूरी हो जाती हैं और आसक्ति तो अमीरों की भी अधूरी रह जाती है। हम जिए, जीने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जन्म का उद्देश्य लेकर जिए। मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। ये परिवार के लोग क्या हैं, हमें जन्म के पहले कुछ पता नहीं था, कौन माँ बाप है, कौन चाचा चाची, कौन परिवार, कौन देश, कौन धर्म, कौन समाज, कौन प्रदेश, कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, सारे दावेदार आकर हमारे पास इकट्ठे होकर दावा ठोक देते हैं, मैं तुम्हारी ये, मैं तुम्हारी ये, मैं तुम्हारे ये, और अपन भी भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ जगत में रहो, जगत में रहना कोई बुराई नहीं, लेकिन जन्म मात्र पर्याप्त नहीं है, जीवन पर्याप्त है। जीवन कुछ लोगों को मिलता है जो परम यात्रा को चले जाते हैं, वो बुद्ध, महावीर, राम और पार्श्वनाथ जैसे जीव, जो भी महापुरुष मोक्ष गए, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक एक तीर्थंकर के साथ 1 करोड़ 7 करोड़ इतने इतने मुनि मोक्ष गए। और मोक्ष जाने के बाद सिद्ध शिला में कोई फर्क नहीं है, तीर्थंकर हो और चाहे सामान सिद्ध हुए हों, हम उन श्रेणी में चले जाएंगे। आप लोगों को संकल्प लेना है कि घर की विकारी भावों में रहो, घर में ऐसे रहो जैसे ड्यूटी देते हैं। आप ध्यान रखना, यदि आपका प्रेम होता है तो वही काम आपको आनंद देता है, और आपको यदि कर्तव्य से करना पड़े तो बोझ लगता है। अभी आप लोग पूजन कर्तव्य के लिए करते हो, जैन श्रावक के कर्तव्य करना पड़ेगा, ड्यूटी है इसलिए करना पड़ेगा, वो बोझ लगता है। आपके बच्चे को नौकर रखता है, नौकरानी रखती है, उसे बोझ लगता है, लगता सो जाए तो अच्छा है, और आपका बच्चा जितनी देर जागता रहे आप सोते को भी खिलाते हो, उठाते हो, क्यों कि आपका प्रेम है। जिस दिन हमारी पूजा भी प्रेम हो जाएगी, उसी दिन आपकी भूमिका में भी कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाएगी। पूजन हमारे आनंद के लिए हो, पूजन हमारे इस लक्ष्य के लिए हो कि एक दिन जन्म जरा और मृत्यु को नाश करेंगे। आपने किसी तीर्थंकर पर झुर्रियाँ नहीं देखी होंगी, आपने किसी तीर्थंकर की, चाहे वो 83 लाख पूर्व रहे हो जगत में, लेकिन आपने कभी उनके चेहरे पर बाल सफ़ेद नहीं देखे होंगे। पहले का आदमी इतना संवेदनशील होता था, एक बाल सफ़ेद देखे तो बैराग्य हो जाता था। आज तुम्हारे सारे सफ़ेद हो जाए तो माने नहीं देती हो बैराग्य, खुदाई कर लो। और ना जाने कितने साधन हैं आजकल, और आजकल तो एक और मैंने कहना चाहिए भाग्यहीनता है, आजकल लोग काले वालों को वो सफ़ेद से करा लेते हैं। मैंने एक और, एक ज़्यादा बड़ी नहीं थी, होगी 30 साल की, मैंने कहा तुम आंवला खाया करो, बोली क्यों, हमने कहा तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, बोले करा रखे, हमने कहीं बुढ़ापे की इतनी जल्दी थी क्या, अरे मत कराया करो, कितने बुरे लगते चितकबरे, समझ गए ना, बाल तो काले अच्छे लगते हैं और सफ़ेद हों तो ऐसे सफ़ेद हों, शुक्ल लेस्या की तरह सफ़ेद हों। सब